गौतम ने अनिका के साथ बचपन से आज तक चाहे जैसा भी व्यवहार किया हो, आखिर थी तो वो अनिका के पापा ही, जिनसे आज अनिका 6 साल बाद मिलने वाली थी। अनिका, what kind of behavior is this? कुणाल 2 घंटे तक एयरपोर्ट पर तुम्हारे इंतजार कर रहा था, तुम उसके साथ क्यों नहीं आई? हो कहा तुम? बस आ रही हूं। जल्दी आओ। अनिका एकाल के लिए अपने आप को देखती रही थी और किसी और के कुछ में पड़ गई। लेकिन आज वो आज आने वाली अनिका नहीं, बल्कि एक नई ट्रांसफॉर्म यानी बदली हुई अनिका। हेलो मैम, आशा करती हूँ कि आपकी फ्लाइट सेफ एंड कंफर्टेबल थी और आपकी नींद भी पूरी हो गई होगी। याद है ना, आपको 8 घंटे की नींद लेना जरूरी है। हाँ याद है। तुम ये बताओ कि तुमने मुझे वही बात याद दिलाने के लिए फोन किया है जो तुम 1 महीने से याद दिला रही हो, या कोई नई बात बताने के लिए? एक्चुअली मैम मैं क्या करूँ, वो बिजनेस टाइकून रोहित मारवा, उनका वापस से मेल आया है। उनका कहना है कि वो अपनी दादी का ऑपरेशन इंडिया की सबसे बड़ी न्यूरोसर्जन डॉक्टर अमृता कि आपसे कराना चाहते हैं। और इस वक्त आप दोनों ही मनाली में हैं, तो मैंने सोचा कि अपॉइंटमेंट फिक्स करना अच्छा रहेगा, है ना? बिल्कुल नहीं, ये बड़े लोग अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करने का सिर्फ ढोंग करते हैं। इनकी हेल्प करने का मकसद कुछ और ही होता है, बुजुर्गों का बिजनेस, प्रॉपर्टी एटसेट्रा एटसेट्रा, और हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। और वैसे भी मेरा मनाली आने का मकसद कुछ और है, मुझे डिस्ट्रैक्ट मत करो। और भूल गई, मैं ऑफिशियल लीव पर हूँ। ओके ओके, एज यू विश। बट मैम एक बात बता देती हूँ, मैंने सुना है कि रोहित मारवा की पर्सनैलिटी काफी डैशिंग है। He is tall, handsome, और सबसे बड़ी बात मैम, इतनी कम उम्र में इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया। लड़कियां तो उससे बात करने के लिए मर मिटने को तैयार है, और वो रोहित आपसे मिलना चाह रहा है और आप अवॉइड कर रही है। वैसे एक बात कहूँ, लाइफ में ना थोड़ा सा रोमांस आ जाए तो नुकसान तो नहीं होगा। खैर सोच लो, वैसे फोटो भेजो। अगर ऐसा ही है तो तू ही मिले डॉक्टर अमृता बनके। वैसे भी मनाली में कोई डॉक्टर अमृता को नहीं जानता, या सबके लिए मैं अनिका गुलेरिया हूँ। ओके, वैसे मैं फोटो भेज रही हूँ, एक बार देख लीजिएगा। हाँ ओके। रिया बेटा, मम्मा जल्दी वापस आएगी और आते हुए आपकी फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम लेके आएगी। अभी जाओ अपने रूम में सो जाओ। और सीधा रूम में जाना, मम्मा विल मिस यू। आर्यन बेटा, तुमको कितनी बार मना किया है मैंने, ऐसे रूम से बाहर मत निकला करो। चलो आ जाओ रूम के अंदर। नहीं, चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए। हाँ बेटा, पापा दिला देंगे। चलो खोलो रूम के अंदर। चॉकलेट आइसक्रीम? ऐसे जिद नहीं करते बेटा, चलो। Yes, I will surely see you. Okay. Yeah, you take care of yourself. Bye. हमेशा गुमसुम और चुप रहने वाले आर्यन की ये बात सुनकर रोहित हैरान हो गया। रोहित अपने सिक्योरिटी इंचार्ज से अपने अपिट के बाहर का सीसीटीवी फुटेज मंगवाता है। आर्यन को एक अजनबी औरत से बात करती देख रोहित दंग रह गया। आर्यन आज एक ऐसा बच्चा था जो अजनबी लोगों से तो दूर बल्कि अपने रिश्तेदारों से भी बात नहीं करता था। वो रोहित के अलावा किसी और बात मिक्स नहीं होता था। लेकिन सीसीटीवी फुटेज पर रोहित ने देखा कि आर्यन ने अनिका को अपने पास आने दिया और घर पर किस भी करने दिया। ये बात रोहित को काफी अजीब लगी।
गाइस वन सेकेंड प्लीज म्यूजिक आओ गाइस दिस इज बताओ अपना नाम प्रीति प्रीति कैन वी श्योर हो नो राइट क्या प्रीति ये तो मुझे सो प्रीति आप अपने बारे में बताइए व्हाट आर यू वेयरिंग टुनाइट काफी क्लासी लग रहा है नो राइट द हेयर ओ माय गॉड प्रिंसेस इज वेयरिंग सी शेल्स कहां से तैयार करा रही हैं आप बताओ हु आर यू वेयरिंग टुनाइट मनीष मल्होत्रा हाँ और प्रीति स्पेशल चलो सबको हाय बोलो एक्सक्यूज मी दीज आर माई फ्रेंड्स इट्स माई बर्थडे जो भी मैं कहूंगी वही होगा चलो हाय बोल जिसको से हाय टू वो वेरी फाइन व्हाट अबाउट हर और जाओ चिंती दूसरी तरफ अनिका गुलेरिया हाउस पहुंच गई थी गुलेरिया हाउस उसका अपना पराया घर जो 6 साल पहले तक एक खंडर जैसा था लेकिन आज अनिका ने मेन गेट के अंदर कदम रखा तो देखा कि घर का रूप रंग पूरी तरह से बदल चुका था Shit, I'm really sorry. लगी तो नहीं प्रीति दिखाओ जरा हाथ में Oh no. साक्षी पुत्र से ही माँ का प्यार मिला था और प्रीति मानो अनिका की कजन नहीं बल्कि छोटी बहन जैसी थी अनिका कामिनी की तरफ आगव जोश में बढ़ी रही थी कि इतने में उसे लगा कि प्रीति की हालत हाल कुछ ठीक नहीं है ऐसा लग रहा था कि उसकी सारी सहेलियां काफी वक्त से उसका मजाक उड़ाकर उसका तमाशा बना रही थी और इन सब में उनकी लीडर कामिनी प्रीति तुम इस मोटी को मुझसे ज्यादा सुंदर कैसे बोल सकती तुम्हें पता भी है सुंदरता क्या होती है ते? इस साल मैं मिस हिमाचल बन गई अब ये साल मिस इंडिया बन जाऊंगी तो तुम्हें अब भी लगता है तुम्हारी ये अनिका दीदी मुझसे ज्यादा खूबसूरत है हाँ मेरी अनिका दी सबसे सुंदर है अच्छा तो एक काम करते हैं हम यहाँ पे वोट ले लेते हैं सबका गाइस आपको वोटिंग यस ठीक इस मोटी में और मुझ में ज्यादा खूबसूरत कौन ओके बताओ प्रीति तुम्हें क्या लगता है बताओ देखो वैसे देखो गाइस आर यू रेडी यस तो चलो मुझे कितने वोट्स मिलते हैं बेचारी प्रीति तो हार गई देखो सारे वोट्स तो मुझे मिल गए ना इधर आओ देखो अब हारी हो ना तो सजा तो मिलेगी इस जूस में तुम्हारी अनिका देवी की फोटो है चलो इसे पी जाओ पियो पियो
पकड़ो अपने हाथ से पियो वरना मैं पिलाऊंगी। नहीं पियोगी? नहीं पियोगी? थोड़ा सा पी, थोड़ा सा। हार और जीत का फैसला खेल खत्म होने के बाद होता है। एक्सक्यूज मी, और खेल अभी खत्म नहीं हुआ। Oh my God, she looks so gorgeous and sexy. ये तो बस फिल्म की हीरोइन जैसी लग रही है। बस क्या हॉट एंड सेक्सी लग रही है। चलो, जीत किसकी हुई वो तो तय हो गया। अब जो सजा तय की थी वो पूरी करते हैं। पियो। अब क्या होगा? क्या कामिनी ये जूस पिएगी? और क्या है आर्यन और रिया का राज? ये तो अगला एपिसोड सुनकर ही पता चलेगा, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक कीजिए और वीडियो में पूछे गए सवाल का जवाब देना ना भूले, जिसका जवाब आपको मिलेगा उसी फुल एपिसोड में। कमेंट करने वाले 10 लकी विनर्स को मिलेंगे 500 कॉइन्स। तो सुनते रहिए एक लड़की को देखा तो, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर। डाउनलोड नाउ।